हाय दोस्तों, परिंस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट्स। बच्चों से लेकर बड़ों तक का सबका फेवरेट चॉकलेट बनाने वाले आज हम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बनाते हैं चॉकलेट्स। चॉकलेट बनाने के लिए हमें जो चाहिए, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कोको पाउडर, ये मैंने एक कप ली है, और एक कप ही मैंने शुगर पाउडर ली है। हमें कोको पाउडर एक कप लेनी है तो शुगर पाउडर भी हम एक कप ही लेंगे, और लेंगे हम मिल्क पाउडर हाफ कप। आपको चॉकलेट मेजरमेंट के साथ ही बनाने हैं, एक कप कोको पाउडर एक कप शुगर पाउडर, तो हम मिल्क पाउडर हाफ कप लेंगे। अब लेंगे हम ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, एक टेबलस्पून जैतून का तेल लिया है मैंने, और लिया है मैंने ये वेनिला एसेंस, ये भी एक टेबलस्पून लिया है, और एक कप लिया मैंने कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। एक बर्तन में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, हम इसमें चॉकलेट बनाएंगे। उस पर रख देंगे हम एक बाउल, ये माइक्रोवेव सेफ बाउल है, आप स्टील का बर्तन भी ले सकते हो। उसमें डालेंगे हम नारियल का तेल, डाल दिया हमने नारियल का तेल। अब डालेंगे इसमें हम शुगर पाउडर, सारी डाल देनी है हमें, और तेल के साथ अच्छे से इसे मिक्स करना है। कर लिया अच्छे से मिक्स, अब डालेंगे इसमें हम कोको पाउडर। कोको पाउडर हमें धीरे धीरे डालनी है और अच्छे से मिक्स करते जाना है, बिना लम्स के हमें ये घोल बनाना है। डाल दिया हमने सारे कोको पाउडर, अच्छे से मिक्स करना है हमें। अब डालेंगे हम मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर भी हमें धीरे धीरे डालना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। कर ली हमने सारी चीजें अच्छे से मिक्स, अब डालेंगे इसमें हम वेनिला एसेंस, उसे भी अच्छे से मिक्स करना है। जैतून का तेल डालेंगे, जैतून का तेल से चॉकलेट में अच्छे से शाइन आती है। डाल दिया हमने तेल अच्छे से, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हो गया हमारा चॉकलेट का बैटर रेडी। अब इसे हम मोल्ड में सेट करने के लिए रख देंगे। देखिए इतना गाढ़ा चाहिए हमें, बिल्कुल भी पतला नहीं चाहिए। अब ले लेंगे हम मोल्ड्स, आपके पास जो अवेलेबल है वो लीजिए आप। मेरे पास ये थे, मैंने ये लिए हैं। यह छोटी छोटी कटोरी में भी आप सेट करने के लिए रख सकते हो इसे। एक एक करके हम सारे मोल्ड्स में चॉकलेट फिल कर लेंगे। ये मैंने इस तरह से छोटे से जार में डाला है ताकि डालने में आसानी हो मोल्ड में। डाल दिया हमने फर्स्ट वाले इसमें, इसे टैप करेंगे, एयर निकाल देंगे इसका, और उसे रख देंगे फ्रिज में। सेकेंड वाले में डालेंगे, इसे भी टैप करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। थर्ड वाला लेंगे आप, इसमें भी डाल देंगे अच्छे से। इसे भी टैप कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे। हमें सारे चॉकलेट को फिल करके एक घंटे के लिए फ्रिज में रखना है अच्छे से सेट होने तक। सारे मोल्ड हम फ्रिज में रख देंगे, एक घंटे के बाद हम फ्रिज से इसे निकाल लेंगे। एक घंटा हो गया, मैंने सारे चॉकलेट मोल्ड्स निकाल लिए हैं। अब एक एक करके हम इसे अनमोल्ड कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से चॉकलेट बनके रेडी हो गया हमारा। सेकेंड वाला निकाल लेंगे,
देखिए ये भी कितने अच्छे से बने हैं। ऐसे करके हम सारे मोल्ड से अनमोल्ड कर लेंगे चॉकलेट्स को। निकाल लिए हमने सारे चॉकलेट्स मोल्ड से, अब इसे हम करेंगे पैक। अगर आपको गिफ्ट करना है तो आप इसे पैक कर सकते हो। ये मैंने लिया है रैपिंग पेपर, ये दूसरा वाला, इसे आपको टाई करके बांधना है इससे। चलिए चॉकलेट रैप करते हैं हम। ये ले लिया हमने रैपिंग पेपर, इसके पीछे साइड में हम रख देंगे इसे इस तरह से, और चारों तरफ से इसे चिपका देंगे। ये हो गया पैक अच्छे से चॉकलेट हमारा। इसी तरह से हम बाकी भी कर लेंगे। आपको गिफ्ट करना है तो इस तरह से पैक करके आप गिफ्ट कर सकते हो। अब हम टाई वाले गिफ्ट पैक करेंगे। इस तरह से इसके सिल्वर साइड में हम रख देंगे चॉकलेट को, इस तरह से पोटली बनाकर टाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से पैक हो गया चॉकलेट, बाकी भी कर लेंगे। आपको जितने चाहिए उतने पैक करिए या ऐसे ही खाइए। आपको मेरी चॉकलेट की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू।